संगीता नर्सिंग होम सेक्टर 21A चंडीगढ़ जिथे डॉक्टर के बाबू वालों बच्चों दिया हर प्रकार दिया बीमारियां दा इलाज किया जा रहा है। पिछले दिनी साडे पत्रकार अवतार सिंह वालों डॉक्टर के बाबू नाल गलबात की गई। पेश है एक खास रिपोर्ट। सर सबसे पहले आप बताइए कि आपने जो आपकी स्टडी है डिग्री है कहाँ से की थी? मैं PGA से किया था, 2008 बैच है, 2011 बैच पास आउट। ओके, तो उसके बाद सर आपने कहाँ कहाँ प्रैक्टिस अपनी की है? अब पहले मोहाली में कॉस्मो हॉस्पिटल में था, फिर संगीता नर्सिंग होम में, अभी पिछले 8 साल से संगीता नर्सिंग होम में। सर बात की जाए बच्चों की डिजीज की, क्या क्या डिजीज मोस्टली देखने को सामने आ रही है? देखो कोरोना से पहले हमें बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होते थे, पेट का इन्फेक्शन हो गया जो हवा से फैलता है, और खांसी, नेबुलाइज करना, छाती जाम, निमोनिया, ये सारे अभी हट गया काफ़ी हद तक। जैसे लोग मास्क पहनने लगा, सफाई करने लगा, अभी एलर्जियाँ ज़्यादा कॉमन हो रही, स्किन का एलर्जी, आँखों का एलर्जी, पेट का एलर्जी, फूड एलर्जी जो गलत खाने के साथ, क्योंकि पैक्ड फूड कोरोना के टाइम पे कुछ ज़्यादा हो गया, ये सब कर रहे, एलर्जी का रिस्क ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और इन्फेक्शन अभी थोड़ा लॉकडाउन ओपन होने के बाद अभी भी हवा से फैलने वाला पतले पोटी, तेज़ बुखार 103-102, लो इम्यूनिटी और एलर्जी ज़्यादा अभी कॉमन हो गया, पुराना जैसा नेबुलाइज का जरूरत नहीं पड़ रही। क्या कारण है सर जो बच्चों में इन्फेक्शन या एलर्जी बहुत जल्दी फैलता है? एक तो खान पीन में गलत खान पीन, बच्चे लोगों में एक बहुत पंजाब में विश्वास है कि बहुत ज़्यादा दूध पिलाओ तब बच्चा तंदुरुस्त हो जाएगा, पर अगर आप एक बिल्डिंग बनाएंगे और उसमें कुछ ज़्यादा ही सीमेंट डाल दिया तो भी वो बिल्डिंग मजबूत नहीं होते। तो बच्चों में प्रोटीन का कमी हम दिख रहे, दाल नहीं खा रहे, सब्जियां आलू के अलावा कुछ नहीं खाते, और आलू में तो आपको पता ही है कि कार्बोहाइड्रेट है, वो बाकी प्रोटीन तो उतना होता ही नहीं है, पूरा प्रोटीन वाले डाइट, हरे पत्ते बच्चे नहीं खा रहे, वेजिटेबल्स गाजर नहीं खा रहे, फ्रूट्स नहीं खा रहे, और दूध बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ हो रहे जिसके कारण एलर्जियाँ बढ़ रहे हैं। सर बच्चों को जो भी 4-5 साल के बच्चे होते हैं मोबाइल में लगातार देखते रहते हैं, गेम्स खेलते रहते हैं, उनकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है? देखो बच्चों का मोबाइल के प्रॉब्लम के कारण इनका नियर साइटेडनेस ज़्यादा हो रहे हैं और फार साइटेडनेस इनका कम हो रही, दूर दृष्टि इनका कम हो रहे, तो इस कंडीशन में कम से कम कोशिश करो कि 1 घंटे से ऊपर इनको मोबाइल और टीवी की चीज़ें ना देखने दें। सर मोस्टली ये भी कारण हो सकता है क्योंकि पेरेंट्स जो रहते हैं, वाइफ भी जॉब पे जाती है, हस्बैंड भी जॉब पे जाता है या अपने बिजनेस में बिजी जाता है, ये भी एक मोस्टली कारण है कि जो अपने बच्चों को वो टाइम नहीं दे पाते, थक जाता है लोग, सब जगह डिमांड हो रहे, वाइफ चाहता है कि हस्बैंड मेरे को सपोर्ट करे और हस्बैंड चाहता है कि वाइफ सपोर्ट करे, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होते हैं, दोनों थका हुआ है, जैसे एक भिखारी दूसरे से चोरी करता है ऐसे नहीं होते, तो ऐसे सिचुएशन में आपको अपना योगा करना है, भगवान का नाम लेना है, एनर्जी देखना होगा, अपना मूड ठीक करना होगा, घर पे आने से पहले अपना मूड बनाना होगा, क्योंकि बच्चा तो फिर डिमांड करेंगे पापा को और मम्मा को, तो ऐसे सिचुएशन में ही आप बच्चों को ज़्यादा प्रेम दे सकते हैं और बच्चों के साथ ज़्यादा खेल सकते हैं, तभी बच्चा खुश हो सकता है। सर जैसे आपने कोरोना की बात की, कोरोना में भी आपने रेगुलर अपनी सेवाएं दी हैं, हाँ जी, उसके बारे में बताइए सर। कोरोना में हमने मास्क पहन के, गॉगल्स पहन के, पूरा PPE किट पहन के, और मोस्टली जो बच्चा वैक्सीनेशन के लिए मैं गाड़ी में जाके लगाते थे, और जो नवे न्यूबॉर्न से जिनको सैंपल लेना है उनको क्लिनिक के अंदर सैंपल लेते थे, बीमार लोगों के लिए सेपरेट रूम रखते थे उसमें लोगों को देखते थे, तो एक ही दिन में हमने बिल्कुल रिक्वायर्ड वाला जो इनको 103 बुखार है, 102 बुखार है, उन्हीं को ही देखते थे, बाकी ऑनलाइन कंसल्टेशन हमारा चलते थे, पहले ही हम माँ बाप को एजुकेट करके इनका इम्यूनिटी बढ़ाते थे, इमरजेंसी मेडिसिन सारों को हमने दे दिए थे सो दैट इमरजेंसी में हमारा ज़रूरत ना पड़े, ऐसे पिछले साल तो बहुत हमने एडजस्टमेंट किया, पर लॉकडाउन और सब लोग बहुत कोऑपरेट किया, मास्क पहन रिया था इसलिए बहुत कम बीमारियां था, लॉकडाउन खुलने के बाद भी अभी बहुत कम बीमारियां हैं, अभी थोड़ा सा लोग मास्क वगैरह
उतार के घूमना शुरू हो गया, हमें तो वैक्सीन मिल गया फिर भी हम मास्क पहन रहे। तो इस चीज़ में हमारे यही लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मास्क तो पहन के रखिए, स्कूल ओपन होने से पहले आपको बच्चों को इम्यूनिटी बढ़ाना ही पड़ेगा, और इनका शरीर का प्यूरिटी इज़ इम्पोर्टेंट। शरीर में जितना ज़्यादा केमिकल है उतना कोरोना का रिएक्शन होता है, जितना शरीर में कम केमिकल्स और जितना बढ़िया इम्यूनिटी उतना कोरोना का रिस्क बहुत कम रह जाता है। ये मेरा एक एडवाइस है। और तो सर लास्ट में क्या आपका मैसेज रहेगा उन पेरेंट्स के लिए जिनके में जो भी पेशेंट्स हैं, बच्चे जो बीमारियां एलर्जी वगैरह इन्फेक्शन फैल रही है? तो मेरा ये है कि देखो, सबके पास आजकल अच्छा अच्छा महंगा महंगा गाड़ियां हैं, उस गाड़ी के अंदर आप गलत पेट्रोल नहीं डालते, गलत तेल नहीं डालते इंजन ऑयल, और उसका मेंटेनेंस और सर्विसिंग रेगुलर करता है। सबके घर में दिवाली में सारे कचरा हटा के चमका देते हैं और घर के अंदर भी कचरा लोग नहीं रखते। तो जब आपका पर्स होता है उसके अंदर आप कोई भी तरीके से आप गलत चीज़ें नहीं रखते, कचरा नहीं रखते, तो आपके बच्चे के शरीर में पेट में आप लोग गलत खाना नहीं डालना चाहिए। चाहे वो ऐड में वो लोग बोले कि ये केमिकल अच्छा है, ये ले लो, ये टॉफ़ी ले लो, ये चॉकलेट ले लो, अगर बच्चे से आप प्रेम करता है आप घर में ही खाना बना कर दे दीजिए। घर में आप घर का बना हुआ मीठा बना सकते हैं, प्योरिटी होना चाहिए प्रोडक्ट का, क्वालिटी होना चाहिए, हाई क्वालिटी खाना देंगे बच्चा तंदुरुस्त रहेगा। घर का ही खाना दे दीजिए, उसमें क्वालिटी ये देखना कि हाई क्वालिटी दाल होना चाहिए और हाई क्वालिटी वेजिटेबल होना चाहिए आलू के अलावा, हाई क्वालिटी नट्स, नट्स का पेस्ट, नट्स का पाउडर, और हाई क्वालिटी बेवरेज। आप पानी देंगे तो वो अल्कलाइन पानी होना चाहिए, मिट्टी का बर्तन में डाल के उसमें हर्ब्स डाल सकते, तुलसी का पत्ता या जैस्मिन फ्लावर, रोज़ फ्लावर, जैसे हाई क्वालिटी अनाज, रागी, जौ, बाजरा, ये सब आपको फोकस होना चाहिए। इसी से ही तंदुरुस्ती मिलेगी, इसी से ही आप ठीक रहेगा।